कॉम की चुनावी पेशकश में हम आपको बताते हैं कि जिस तरह 2018 में विधानसभा चुनाव में कमलनाथ सरकार और कांग्रेस सरकार ने अपनी जीत हासिल की है, उसके बाद कमलनाथ सरकार ने रोजगार के मुद्दे को लेकर कुछ बात कही थी। उसी बीच कमलनाथ सरकार ने एक अनूठी पहल कर एक किन्नर समाज को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। आइए देखते हैं पूरा मसला। हमारे देश में किन्नर किस तरह से समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है देश की सबसे बड़ी लेखिका तथा किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई है और उनके जलवे उज्जैन तथा इलाहाबाद कुंभ में भी दिखाई दिए। जब किन्नर यानी ट्रांसजेंडर से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने में देश की पहली महिला किन्नर संजना सिंह सफल हो गई है। जिला मध्य प्रदेश में किन्नर संजना सिंह को सामाजिक न्याय और दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव की निजी सहायक बनाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली घटना है जब किसी किन्नर को सरकारी नौकरी दी गई है। अब इससे अन्य किन्नरों के सरकारी नौकरी में प्रवेश का रास्ता भी खुल गया है और ये किन्नरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पूरे मामले को लेकर संजना सिंह का ये भी कहना है कि सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जो पहल की गई है उसने उनके साथ ही उनकी अन्य साथियों की सरकारी नौकरी में प्रवेश का रास्ता खोल दिया है, इससे वे सभी बहुत ही खुश हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।